चीन दक्षिण अफ्रीका में फर्जी वैक्सीन से मौत बांटने में जुटे अपराधी इंटरपोल ने किया है भंडाफोड़। जी आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या है ये पूरा मामला, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल दिल से न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ मनीषा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है और अपने राय और सुझाव में लिखकर जरूर भेजना है। दुनिया एक और कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए वैक्सीनेशन अभियान को तेज कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर फर्जी वैक्सीन अधिकारियों की मुसीबतें बढ़ा रही हैं। दुनिया भर के कई देशों में फर्जी वैक्सीन का भंडाफोड़ किया गया है। इस बीच कोरोना वायरस की नकली वैक्सीन बेचे जाने का मामला सामने आया। जी हां, ग्लोबल पुलिस संगठन इंटरपोल ने बताया है कि चीन और दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने कोरोना वैक्सीन के हजारों नकली डोज जब्त किए हैं। इंटरपोल ने चेतावनी दी है कि यह टिप ऑफ आइसबर्ग यानी किसी बड़े रैकेट का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। इंटरपोल ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के बाहरी इलाके में बने एक गोदाम से नकली कोरोना वैक्सीन की 400 शीशियां बरामद की गई हैं। इन शीशियों से 2400 लोगों को टीके लगाए जा सकते हैं। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में नकली मास्क भी बरामद किया है। इस दौरान चीन और 3 जाम्बिया के एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। इंटरपोल ने बार बार जोर दिया है कि कोरोना वायरस के टीके इंटरनेट पर खरीदे या बेचे नहीं जा सकते हैं। उन्होंने जनता से आपराधिक गतिविधियों के ऐसे मामलों की रिपोर्ट कराने का भी आग्रह किया है। इंटरपोल ने इस साल की शुरुआत में कोविड-19 वैक्सीन को लेकर चेतावनी भी दी थी। महासचिव जुएरगेन स्टॉक ने कहा था कि जैसा कि सरकारें वैक्सीन को लाने और उनके उपयोग की तैयारी कर रही हैं, वहीं आपराधिक संगठन इस वैक्सीन की सप्लाई चेन में घुसपैठ करने की योजना भी बना रहे हैं। इससे लोगों के स्वास्थ्य और उनके जीवन के साथ गंभीर खतरा पैदा हो सकता है और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। मीडिया में ऐसी भी खबरें आई थी कि चीन में सितंबर 2020 में ही कोरोना की कथित वैक्सीन बेची जा रही थी। न सिर्फ चीन में बल्कि इसकी तस्करी कहीं और बाहर भी की जा रही थी। जनवरी 2021 में इसकी एक झलक भी देखने को मिली थी। तब जापानी मीडिया ने खबर चलाई थी कि चीन कोरोना वैक्सीन की तस्करी कर रहा है। चीन पर आरोप था कि वो अपना प्रभाव फैलाने के लिए बैकडोर से वैक्सीन जापान में भेज रहा है। उस वक्त चीनी सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। जापान में चीन की दूतावास ने यहाँ तक कह दिया था कि मीडिया स्थानीय लोगों को बरगला रही है। वहीं वैक्सीन कंपनियों ने भी इन रिपोर्ट्स को झूठा बताया था। उनका कहना था कि वैक्सीन की हर खुराक ट्रैक की जाती है, इसे अवैध तरीके से बाहर भेजा जाना नामुमकिन है। तब तो ये खबरें दब गई थी, लेकिन फिर दूसरी खबर आई कि बीजिंग और आसपास के प्रांतों की पुलिस ने मिलकर के एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है। उन्हें फेक कोरोना वैक्सीन को लेकर एक टिप मिली थी। इस अभियान में 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया और वैक्सीन की 3000 खुराकें बरामद की गई हैं। मालूम चला है कि इसमें वैक्सीन की जगह सेलोइन वाटर मिला है। ये नमक और पानी का घोल होता है। इसका इस्तेमाल जख्म साफ करने और कॉन्टैक्ट लेंस हटाने जैसे कामों में किया जाता है। जानकारों का कहना है कि ये घोल किसी शरीर में चढ़ा दिया जाए तो नुकसान की संभावना न के बराबर होती है। आपको बता दें कि टाइम की 27 जनवरी की रिपोर्ट है, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में पुलिस ने एक मेडिकल सेंटर को बंद कराया था। आरोप था कि यहाँ पर कोरोना वैक्सीन के नाम पर लोगों को अज्ञात चीजें चढ़ाई जा रही हैं। $15 की कीमत में एक खुराक और 3 में कोरोना से मुक्ति का दावा है। सेंटर बंद होते होते लगभग 70,000 डोज बेचे जा चुके थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के मुताबिक दुनिया का नकली दवा बाजार प्रतिवर्ष लगभग $200 बिलियन यानी 14,646 अरब रुपए से भी ज्यादा का है। इनमें से अधिकांश नकली उत्पाद एशिया में बने हैं। वेल, अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन नकली कोरोना वैक्सीन से आप भी बच रहे हैं। और इस वैक्सीन के बारे में आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या वाकई लोग ऐसी अफवाहों में आ रहे हैं इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनके जवाब भी हम तक पहुंचते रहें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे लाल बटन को दबा करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त मिलते एक नई अपडेट के साथ।